नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। झारखंड के लातेहार जिले के चंदावा थाने क्षेत्र अंतर्गत टोरी रेलवे साइडिंग में नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के 15 से 20 की संख्या में हथियारों से लैस उग्रवादी सशस्त्र दस्ते ने जमकर उत्पात मचाया। बता दें कि उग्रवादियों ने साइडिंग परिसर में खड़े 1.5 दर्जन वाहनों को फूंक दिया, साथ ही 6 लोगों की पिटाई की और उनका मोबाइल भी छीन लिया। घटना में करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही चंदावा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही उग्रवादी गोली चलाने लगे। पुलिस ने भी जवाबदेही कार्रवाई कर गोली चलाना शुरू किया। 1.5 घंटे तक दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। इसके बाद उग्रवादी जंगलों का लाभ उठाकर भाग निकले। बता दें कि घटनास्थल के समीप उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के नाम से हस्तलिखित पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेवारी ली है। पर्चा में संगठन लवलेस के द्वारा कहा गया कि घटना को लेवी नहीं दिए जाने के कारण अंजाम दिया गया है। टोरी व विराटोली साइडिंग में ट्रांसपोर्टिंग बंद करने की धमकी दी। नक्सली संगठन JJMP ने टोरी व विराटोली कोल साइडिंग में बिना इजाजत के काम नहीं करने की धमकी दी। आदेश का उल्लंघन कर काम करने पर फौजी कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। पोस्टर में दोनों को साइडिंग में ट्रांसपोर्टिंग का काम बंद करने को कहा गया है। घटना के बाद मामले को लेकर लातेहार जिले के समीप बरती चतरा लोहदरगा और रांची जिले के सीमांत इलाके में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। तीनों जिले से होकर गुजरने वाले मार्ग को सील कर पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है। मुख्यालय से भी फोर्स मंगाई गई है। उग्रवादियों की ओर से टोरी साइडिंग परिसर में गोलीबारी किए जाने के बाद जिला मुख्यालय लातेहार समेत आसपास के थाना क्षेत्र से भी फोर्स मंगाई गई है। साथ ही इलाके में ग्रामीण पथों को जोड़ने वाले मार्ग की नाकेबंदी कर दी गई है। बता दें कि इसके अलावा पुलिस की एक टीम मुख्य पथ में लगातार गश्त कर हर आने जाने वाले पर नजर बनाए हुए है। साइडिंग परिसर में उग्रवादियों की ओर से फायरिंग और आगजनी की घटना के बाद ये कार्य बंद हो गया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।